टिकटॉक आदिल ने जिनकी डेथ हो गई है, और ये न्यूज़ अभी अभी चल रही है, न्यूज़ अपडेट आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। मैं हूँ गीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गीना व्लॉग। गीना फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है सामने, ये आदिल हैं और साथ में इनकी मिसिज़ हैं, इन दोनों की ये पिक्चर हैं। और ये टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे और माशाल्लाह बहुत अच्छा कवर था। ये रिसेंटली ARY एंटरटेनमेंट पे भी गए हुए थे निदा यासर के शो में, और इनकी ये कुछ पिक्चर्स हैं वहाँ की, और ये वहाँ पे दोनों गए हुए थे और माशाल्लाह बहुत खुश नज़र आ रहे हैं ये। और पता नहीं क्या रीज़न है, कहा तो जा रहा है कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, इनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है, लेकिन जहाँ तक ये न्यूज़ भी है कि इनको काफ़ी धमकियाँ दी जा रही थी, तो कुछ लोग इनको धमकियाँ दे रहे थे इनकी जान की कि वो आपको मार देंगे। अब हकीकत क्या है इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट न्यूज़ मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। और ये इनकी शादी की पिक्चर है, अभी इनकी शादी कुछ ही टाइम पहले हुई है, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इनकी शादी को, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और टिकटॉक पे आपने इनकी वीडियो देखी होंगी, ये बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते थे और इनको काफ़ी धमकियाँ मिलती थी इस वजह से कि ये फेमस थे, और इनके व्यूज़ भी अच्छे खासे आते थे, मिलियंस में जाते थे। सो इस वजह से कुछ लोग इनसे जेलस होते थे और इनके साथ इनको जान की धमकी भी देते थे। इन लोगों ने काफ़ी बताया भी है कि हमें धमकियाँ मिल रही हैं, और इनका जो इंस्टाग्राम आईडी था वो भी हैक कर लिया गया था। फिर इन्होंने अपना न्यू इंस्टाग्राम बनाया और ये फिर अपनी सारे फ्रेंड्स को वहाँ पे बताया कि हमें वहाँ पे फॉलो करें। और पता नहीं न जाने लोग क्यों एक दूसरे से जलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में जैसे हैं, खुश हैं, उनको खुश रहने दीजिए। और मेरी अब सबसे गुजारिश है कि आप दुआ कीजिए अल्लाह इनको जन्नत फरदौस में आला मुकाम अता करें, और इनके फ्रेंड्स, फैमिली और इनकी मिसेस को अल्लाह मियाँ सब्र दें, और इनको इस दुख से अल्लाह मियाँ नजात दें। और ये छोटी बात नहीं है इनकी फैमिली के लिए, ना कि सिर्फ टिकटॉक स्टार्स के लिए।